मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते भाई सभी फ्रेंड्स को। और कैसे हैं आप सब? मोनिका लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। और आज भाई आठम है और आठम की कढ़ाई करनी है आज हमने। और कई भाई नौमी की कराया करें, हम आठम की कराया करें। तो खीर हलवा और पूरी सब्जी ये सब बनाऊंगी। आप सब भी इनवाइटेड हो भाई, आप भी आ जाना। और कन्या बुलाऊँगी भाई, आज कन्या जिमाऊँगी मैं। फर्स्ट तो मैंने रखे नहीं है, लेकिन वैसे ही हम कन्या जिमाएँगे आज। ठीक है भाई, अब मैं अपना खाना वाना बना लूँ, कर लूँ तैयारी, नहीं तो लेट हो जाऊँगी। भाई माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे भाई, और सबको खुश रखे माता रानी, सबके बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे भाई, उनको सुखी और स्वस्थ रखे। और अब बना लूँ मैं खीर हलवा अपना। आप सब भी इन्वाइटेड हो भाई, आप भी आ जाना। कदे नू सोचो भी हम नहीं बुलाए। तो भाई कुकर में चढ़ा दिए मैंने खीर, ये देखो कुकर में ही बनाती हूँ मैं खीर, जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें डाल दिए हैं किशमिश और गोड़ा, छुहारे, जो कुछ भी भाई को पैकेट लेके आती हूँ उसमें जो आता है ना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। चावल डाल दिए हैं और इलायची डाल दी है, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा इलायची का। और ये रख दी मैंने कढ़ाई, इसमें बनाऊँगी अब हलवा। ठीक है भाई, तो हलवे की कर लो अपनी तैयारी, आप भी बने रहिए हमारे साथ भाई, आपको भी खीर हलवा जरूर खिलाएंगे। खेल रहा है भाई गली में आए अपनी माँ जी के साथ, और मैं अपना हलवा रेडी कर रही हूँ। बच्चे काम नहीं करने देते भाई, इसलिए माँ जी के साथ खेल रहे हैं बाहर। तब तक मैं अपना सारा काम निपटा लूँ, हलवा भी बन गया, कदक कदक हो गया है तैयार। बस इसको 2 मिनट के बाद मैं उतार दूँगी। वो खेल रहा है बाहर रियाज। Thank you.
अड़ियाल से बैठ जाओ, अच्छे से खाना खाना है, अच्छे से बैठ जाओ सुपर सी मार्केट। रियांश फोन ही देखता रहेगा या खाएगा भी? रियांश मम्मी आप रहो, मुझसे खाता नहीं जाता। मैं तो पूरी उतारू भी, काट दे तो ला लूंगी। तो हां नीचे तो कच पड़ी है, नहीं काट दे साइड में दूसरी तार में। नमस्कार जी, ये खा ले दो रोटी। यो ना खाओ और भाई बच्चे सारे चले गए हैं, सबको खिला दिया भाई, हलवा पूरी सब्जी और प्रसाद दे दिया था सभी बच्चों को। और गरीब बच्चों को पकड़ पकड़ के लाया था, रियांश बोल रहा था मैं इनको ही खाना खिलाऊंगा, इनको ही, हमारे जो पड़ोस में जो कमरे बने हुए हैं ना उनमें रहते हैं, गरीब बच्चे हैं भाई बिल्कुल, उनको ही खाना खिलाया था हमने। और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, हम तो यही चाहते हैं भाई सबको खुश रखे माता रानी। और हमारी तो भाई आज सही होगी अष्टमी की जो पूजा होती है, आठवीं बोलते हैं हम उसको, कढ़ाई कर ली और बच्चों को खाना खिलाने के बाद थोड़ी संतुष्टि सी होगी। पहली बार भी मैं सोच रही थी कि बुलाऊं भाई कन्या बिठाऊं, मैं फास्ट नहीं रखती हूँ इसलिए मैंने अब की बार सोचा कि कन्या तो बिठा ही देती हूँ, ये और भी अच्छा होता है भी अगर फास्ट रखो या ना रखो, अपना कन्या तो बिठा ही दो, बच्चों को खाना वाना खिलाओ और उनको प्रसाद दो भाई, और पैसे भी देते हैं बच्चों को ताकि वो कुछ अपने पसंद का भी खा सकें, ऐसे होता है। माता रानी हम सबको खुश रखे भाई, मेरी तो यही प्रार्थना है, हे भगवान अपनी कृपा माता रानी बनाए रखना सब पर। हमारी वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो भाई, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, मैं हर बार बोलती हूँ लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, खाली थोड़ी वीडियो देखते हैं, पूरी भी नहीं देखते हैं, पूरी तो देख लिया करो कम से कम। और बस जी इतना ही कहना चाहती थी आज के लिए, आज का व्लॉग का एंड करती हूँ अभी। ओके बाय बाय।